हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आज फिर से एक नया केक बनाने जा रहा हूँ जो कि स्क्वायर केक है और इसमें कुछ क्रीम का काम है और कुछ फोंडेंट का। तो ये देख सकते हैं, ये वाला केक है जो आज बनाया हूँ। आइसक्रीम थीम पे है ये केक पूरा, लगभग ये चॉकलेट का काम है इसमें। तो टोटल फोंडेंट का बना करके डाले हैं और कैसे क्या बनाए हैं आगे आपको वीडियो में बताए हैं। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं। तो चलिए फिर लेयर लगाते हैं। आप देख सकते हैं स्पंज ले चुका हूँ सीट से और स्क्वायर काटना होगा इसे हमें, और इसमें तो कटिंग्स वगैरह कुछ डालना नहीं है, बस 2 kg है तो स्क्वायर में वेट भी ज़्यादा आता है। 2 kg और पाउंड में अगर है तो 4 pound का रहेगा ये केक, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि पाउंड में भी बताइए कितना पाउंड का बनाते हैं, क्योंकि कमेंट्स हम देखे हैं इसलिए पाउंड का भी बता देते हैं। और वैसे भी अगर हाफ kg तो 1 pound होता है, kg है तो 2 pound होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता और ये वीडियो देख रहे हैं तो पता चल जाएगा आपको कितना केजी और पाउंड को क्या फ़र्क रहता है, सो कुछ भी नहीं, सेम है। तो ऐसे भी 3 layer करना होगा। ये वाला स्पंज वेनिला स्पंज है और ये हमारा एग वाला स्पंज है, एगलेस नहीं है, और प्रीमिक्स से भी बनानी है, ये खुद से हम लोग बनाए हैं मैदा चीनी अंडा से। और कैसे बनाएं इसका भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो सुनील केक मास्टर यूट्यूब चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। सुनील केक मास्टर स्पंज लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा जो कि मैं हर वीडियो में बता देता हूँ इसलिए, ताकि आप लोग को अगर कोई नहीं देख पाता है तो कोई भी वीडियो देखेगा मालूम चलने से आप देख सकते हो। तो ये वेनिला फ्लेवर का था, इसमें कोई भी फ्लेवर हमें ऐड नहीं करना, बस नॉर्मल क्रीम ही डालना है। तो इसलिए लेयर लगा लेता हूँ पहले, क्रीम का ही कुछ भी इसमें फ्लेवर है नहीं, बस क्रीम डालिए जूस डाल करके और इसको कवर करना है। और ये शुगर सिरप है, मिल्क में ऐड किया हूँ इसलिए वाइट लग रहा देखने में। इसके लिए भी बहुत से लोग कन्फ्यूज होता है कि क्या आप मिल्क डाल रहे हो क्या, तो मैं मिल्क नहीं डालता, चीनी पानी ही है और इसमें सिर्फ मिल्क में ऐड किया हूँ। तो ये हो गया लेयर कंप्लीट, साइड का थोड़ा काटना पड़ेगा, ज़्यादा इसमें नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि कटिंग्स डालते हैं केक में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं। और जूस हम लोग केक में अधिक डालते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को पूरा जूसी होना, केक सूखा ड्राई होना तो वो कंप्लेन करके वापस घर ले आते हैं, सॉरी मतलब दुकान ले आते हैं, इसके लिए जूस हम लोग को ज़्यादा डालना पड़ता है। तब चलिए आइसिंग भी कर लेते हैं। और आइसिंग करते हैं तो क्रीम को मीडियम में ही रखिए, ज़्यादा टाइट नहीं और ज़्यादा लूज नहीं, तो आपका फी फिनिशिंग में होगा आइसिंग जो भी आप करोगे। और वैसे भी जल्दी स्क्वायर का फिनिशिंग होता नहीं है किसी से, राउंड का है तो इजीली हो जाता है, बट हम लोग से तो हो जाता है क्योंकि हम लोग बनाते हैं, और जो बनाते हैं उन लोग से भी हो ही जाता होगा, जो नया नया अगर कोई कर रहे तो उन लोग को प्रॉब्लम होता है। तो आप इसमें देख लीजिए कैसे करते हैं स्क्वायर केक का आइसिंग, और अगर आपको कुछ फिर भी डाउट्स रह जाता है, फिर कुछ लगे कि हाँ इसमें हमको कुछ पूछना है तो कमेंट का तो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, केक आपको कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताएं, लेकिन कमेंट पे मुश्किल है मैं किसी को रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, 400-500 कमेंट तक चला जाता है केक में। तो इसके लिए हमें इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए सुनील केक मास्टर के नाम से, और वहाँ पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। और जो भी हो प्रॉब्लम में लिखिए, हाय हेलो मत कीजिए, डायरेक्ट प्रॉब्लम लिखिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो देखिए साइड से स्कैपर से इसका मैं फिनिशिंग कर दिया हूँ, ऊपर से भी क्रीम जो भी एक्स्ट्रा उसको निकाल दे रहा हूँ, और फिर से इसी से डिज़ाइन बनाना है, लेकर के हाथ से आगे पीछे कीजिए, सेम वैसा ही था, ऊपर इसका फिनिशिंग था नहीं तो शायद ये बटर क्रीम का डिज़ाइन था, कूल क्रीम में बना दिया है। और रेड कलर का वो व्हिप क्रीम नोजल इसमें नहीं है, डायरेक्ट बटर पेपर को काट दिया हूँ राउंड में, और फिर इस पर बॉर्डर कर रहा हूँ, क्योंकि जो फ़ोटो मेरे पास था और जो आया हुआ वो भी सेम ऐसा ही था, ऊपर का अलग है, देखो इस दूसरे स्टाइल का बॉर्डर है, ये डायरेक्ट वाला नहीं है, क्या करें जो फ़ोटो में होता हम लोग को वैसा सेम करना पड़ता है, अपना कुछ इसमें चेंज कर नहीं सकते, चेंज कर देंगे फिर कस्टमर बोलेगा इसमें तो कुछ था आप तो कुछ कर दियो, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। अब चलिए इसका लॉलीपॉप वगैरह बनाना है फोंडेंट का, तो वो भी बना लेते हैं, ये भी लगता है कोई बच्चे का ही बर्थडे केक होगा, क्योंकि आइसक्रीम लॉलीपॉप ऐसा कुछ इस थीम पे है ये वाला केक जो कि बनाना है।
तो टेबल पे हल्के हाथ से ऐसे ही गोल करके बेल दीजिए और उसको फिर गोल कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर नहीं होता तो हल्का हाथ में पानी लेकर के पोंछ लीजिए हाथ, तो टेबल पे रख करके आराम से आपका पतला हो जाएगा फोंडेंट, दिक्कत नहीं होगा। हाथ सूखा रहेगा तो शायद नहीं होता है, उसमें फिसल स्लिप कर जाता है। तो थोड़ा पानी ले लीजिए हाथ में, उसके बाद कीजिए, लेकिन पानी हाथ फिर पोंछ लीजिए उसके बाद कीजिए तो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी वही करते हैं। तो देखिए ये कर दिया, स्पीड कर दिया हूँ थोड़ा, लेकिन फोंडेंट का काम तो समझ में आ जाता है। और अगर स्पीड नहीं करता हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होता है, उसमें भी आप लोग देखते ही नहीं हो, आधा वीडियो छोड़ के भाग जाते हो, इसीलिए छोटा कर देता ताकि हाँ कम टाइम लगेगा आपको और समझ में भी आ जाएगा। और बाकी जो नहीं समझ में आ रहा वो तो मैं बता ही दे रहा हूँ आप लोग को। ये भी कट करके सिर्फ घुमा देना है बस, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कट कीजिए घुमा के रख दीजिए, 2 मिनट छोड़ दीजिए, सूख जाता है अपने से ही। लेकिन हाँ ये केक बनाने से पहले 1 घंटा पहले मैं ये सब बना लिया था और एसी में हम रखे थे, तो एसी में फिर सेट हो जाता है ये, फिर सूख जाता है पूरा, बोले तो लूज नहीं रहता है। ये आइसक्रीम के लिए बना रहा हूँ, पिंक कलर का हो गया, नीचे का वाइट का ऊपर का कट करना पड़ेगा। छोटा सा उसमें सांचर रख करके अब ऊपर से काट देना, लेकिन ये अलग लेवल का आइसक्रीम था, वैसे तो दूसरे स्टाइल का रहता लेकिन ये अलग था डिज़ाइन में देखने के लिए, पेड़ जैसा दिख रहा है। ये कैंची से हल्के हाथ से दबा दी हूँ, बस डिज़ाइन बन गया, सेम ऐसा ही डिज़ाइन था उसमें भी, सेम टू सेम, तो बन गया। अब चलिए केक पे सेट करते हैं सब। जहाँ जहाँ जो था उसको पूरा सेट कर देते हैं, क्योंकि वो तो बनाने का प्रॉब्लम होता है, सजाने में दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ध्यान से कौन सा कहाँ पे है वो, अगर फ़ोटो का केक है तो आप देख देख करके ही डालिए, क्योंकि क्रीम पे है, एक बार गलती से कहीं कुछ रख दिया फिर उठा नहीं सकते, ख़राब हो जाएगा फिनिशिंग फिर आपका, इसीलिए। ये इसका डंटी भी जो है वो भी फोंडेंट का ही है, वाइट फोंडेंट का, वो भी मैं सुखा दिया हूँ गर्म करके, क्योंकि वो भी दूसरा कुछ नहीं है, फोंडेंट वाला है, फोंडेंट का ही है। तो बस ये हो गया जो मैं बनाया, बस इसके ऊपर ही सिर्फ रखना है। देखिए सेट कर दे रहा हूँ, सिंपल सा केक था, उतना हाई फाई नहीं है केक, फिर भी था, तो सोचा चलो रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भी दिखा देते हैं। थोड़ा स्क्वायर केक का अगर अलग डिज़ाइन बच्चे के थीम पे होना, तो ये बच्चे का ही केक है, मेरे को पता है, नाम आया नहीं मेरे पास, नाम आने से पता चल जाएगा किसका है। ये कलर्स बॉल है, नॉर्मल जो रहता है राइस बॉल। तो देखिए हो गया केक रेडी, कैसा है आप कमेंट में ज़रूर बताएँ।